बहुत धन्यवाद जो आप इधर आए। मेरे कांग्रेस में जितनी उन्होंने मेरे को टिकट देके यहाँ भेजा, उसके अलावा मैं हमारे पूरे जिला कांग्रेस के, चाहे वो शहर के हो या देहात के हो, दोनों प्रेसिडेंट और यहाँ के जितने इनके नीचे इनकी सारी जो टीम है उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इनका पूरा 100% सहयोग हमारे साथ रहा। उसके बाद मैं हमारे सारे जो प्रत्याशी यहाँ से पिछले विधानसभा में चुनाव लड़े हैं, चाहे जीते हुए या हारे हुए, उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। जो सातों आठों विधानसभा के, उन लोग का पूरा सहयोग रहा, उन सब का भी मैं सहयोग देना धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारे प्रत्याशी कई लोग कांग्रेस से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, जो कांग्रेस में जिन्होंने वापसी करी है या कांग्रेस में जिन्होंने समर्थन दिया है, उन सब का भी पूरा सहयोग रहा। मेरी पूरी टीम, जो मेरी अपने कंपनी की टीम भी हमने जो यहाँ पे लोगों को लगाया था, उन सब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे दोस्त लोग, मेरे मित्र लोग, जितने लोग लगे इस चुनाव में, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में जितने भी लोग जो इस चुनाव में मेरे साथ कनेक्टेड रहे, चाहे पूरे सेवा करने के लिए या मेरी दोस्ती के लिए या मेरे साथ लगने के लिए, उन सब का पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में ही सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो मैं देना चाहूँगा वह अजमेर की जनता का, जो कि मुझे 30 दिन में जिन्होंने इतना बढ़िया तरीके से अपनाया और जितना प्यार और जितनी मोहब्बत उन्होंने मेरे को दी, और कहीं मुझे एक सेकंड भी एहसास नहीं देने लगने दिया। जो प्रश्न आप लोग मुझसे पूछते रहे हर टाइम कि आप भारी हो कि ये हो, मुझे एक दिन भी, जिस दिन से मैं अजमेर में घुसा हूँ, अजमेर की जनता ने और मेरे कांग्रेस के परिवार ने एक दिन भी मेरे को ये एहसास नहीं देने लगा। तो इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, रिजल्ट 23 तारीख को आएगा, आप लोग सबके सामने होगा जो रिजल्ट होगा। हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं पूरे रिजल्ट का, लेकिन जो कुछ भी मेरे को देखने को मिल रहा है, जनता के उत्साह से, जनता के प्यार से ये सीट, और इसमें मेरे को कोई दो शक नहीं है। यहाँ पे बस यही मैं आपसे, और आप लोग के से मिलना नहीं हुआ था इतने दिन से, तो आप लोग को मैंने यहाँ पे बुलाया और मिल के एक बार पर्सनली मैं धन्यवाद देना चाहता था, तो इसलिए रखा गया है। अगर किसी को कोई सवाल जवाब हो तो प्लीज़ मेरे से कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बात ही नहीं करूंगा, मैं जवाब ही नहीं दूंगा इस बात की, क्योंकि आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो कि अगर आप नहीं जीत पाए, नहीं जीत पाए का प्रश्न ही नहीं उठता जब, तो मैं ये बात क्यों करूं आपसे। 23 तारीख इस बात की मैं सर इस बात इस चीज की बात मैं आपसे 23 तारीख के बाद करूंगा और सांसद बनने के बाद करूंगा। इस चीज की बात मैं आपसे 23 तारीख के बाद करूंगा, सांसद बनने के बाद करूंगा। मैंने बताया ना, ये चीज का, इस प्रश्न का सवाल मैं 23 तारीख के बाद आपको दूंगा और स्पष्ट आंसर दूंगा। पूरे चुनाव में मेरे को हंसी आती है इस बात पर, मैंने अपने जो मैं एक औद्योगिक घराने से आता हूँ, आने से पहले मुझे ये पता था कि मेरे ऊपर ये लांछन लगेगा या मेरे ऊपर ये बात लगेगी कि भाई आप पैसा खर्च कर रहे हो, पैसा बहा रहे हो। डे वन से मैंने ये कहा है कि जो मेरी निजी संपत्ति है, जो मेरा निजी है, वो सब कुछ पब्लिक है, वो तो आपको एफिडेविट देना पड़ता है। उसके अलावा एक पैसा मैं बता दूं जो खर्च करना चाहिए एक इलेक्शन में, जो इलेक्शन कमीशन के रूल हैं और जो पार्टी ने मेरे को सपोर्ट किया है और जो कार्यकर्ताओं ने मदद करी है और सामाजिक संस्थानों ने मदद करी है, जो पैसा कोई और खर्च करता है, चाहे वो आम से आम कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा हो या मैंने चुनाव लड़ा है, इसमें कहीं भी आपको एक पैसे का भी अंतर नहीं नजर आएगा। हमने कोई धन बल से चुनाव नहीं लड़ा है। अगर धन बल से चुनाव लड़ना होता तो चुनाव बहुत अलग तरह से लड़े जाते हैं, वो भी मुझे पता है, लेकिन हमने जो वो जन बल की बात करते हैं वो हमारे साथ था। हमने 30 दिन में बिल्कुल एक स्वच्छ कैंपेन रन किया है, बिल्कुल स्वच्छता की बात करी है, एक भी नेगेटिव कैंपेन नहीं रन किया है और सिर्फ दो ही मुद्दों को लेकर रन किया है, जो रोजगार और पानी को लेकर और जनता के बीच में हम इसी को लेकर गए हैं। कहीं इसमें कोई पैसे, धन बल, इन सब की बात ही नहीं आती है। चुनाव ये मुद्दा बनाना है उनको तो बनाएंगे, ठीक है, उनको ये कहने का पूरा हक है। रिजु जी, पहले दिन आपने कई लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल कायम हुआ, इसीलिए मैंने कहा इस जवाब किसका जवाब आपको 23 के बाद खुद ही मिल जाएगा। और कर्म भूमि है मेरे लिए अजमेर, मैं फिर से ये कह रहा हूँ, रहेगी मैं है जब मैं कह रहा हूँ। ये आपने पहला चुनाव लड़ा अपने जीवन का, किस तरह का अनुभव रहा इन चुनावों से? जी बहुत बढ़िया अनुभव रहा। मैं सच सच बताऊँ अगर तो मेरे को इसके पहले, आप मेरे से 2 साल पहले अगर पूछते तो पॉलिटिक्स को जो लोग बाहर से देखते हैं, पॉलिटिशियंस को जो सब हमारे सामने बैठे हैं यहाँ पे, कहीं नहीं भी बैठे, उनको आप सब दिन रात एक कोसते रहते हैं कि भाई पॉलिटिशियन ये करता है वो करता है। पॉलिटिक्स में आने के बाद मेरे को पता चला है ये कितने मेहनत का काम है
कितनी लगन का काम है, और ऐसा कोई बात नहीं है जो लोगों के ऊपर ये बता के रखते हैं कि भाई पॉलिटिशियन है तो पैसा खाते हैं तो ये करते हैं वो करते हैं। मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मेरा जो अनुभव रहा है ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, और मेरे लिए जो रिस्पेक्ट है आम पॉलिटिशियन की, वो मेरे लिए अगर पहले यहाँ थी तो आज मेरे लिए कहीं ऊपर जाके वो हो गई है, हर एक पॉलिटिशियन के लिए, चाहे वो अक्रॉस किसी भी पार्टी के लिए हो। जा रहे हैं, इसका 23 तारीख को पता चलेगा। मैं इस मामले में पढ़ूंगा ही नहीं। इसके एनालिसिस का कोई अंत ही नहीं है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकते हैं, लेकिन जीत इसमें पक्की हमारी 23 तारीख को, ये आप समझ के रखिए। सारा संगठन और जो संगठन के बाहर भी जो लोग थे सब एकजुट होकर जिस तरह से ये चुनाव लड़ा है, आप 8 विधानसभा में ले लीजिए, किसी भी एक विधानसभा में कहीं पे कोई दो लोग अलग नहीं थे, सारे लोग पूरा कांग्रेस का परिवार, और जिन्होंने स्पष्ट करके कहा कि हम कांग्रेस को समर्थन करते हैं या कांग्रेस में वापस आए, ये सारे लोगों ने पूरा समर्थन अपना दिया है और सारी कांग्रेस एक होकर। सचिन जी, आपने कहा कि अजमेर को मैं अपनी कर्मभूमि बनाऊंगा, यही शब्द सचिन पायलट जी ने कहा, लेकिन वो दूसरी जगह से चुनाव लड़ गए। नहीं तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, अजमेर के लिए आज भी पायलट साहब के दिल में जो है और जो काम करते रहते हैं वो पीछे से अजमेर के लिए, ये मुझे पता है। तो कर्म भूमि होने का मतलब ये नहीं है कि अगर सचिन जी अगर कहीं और से खड़े हो गए तो उनका अजमेर से नाता नहीं है, वो आए थे अजमेर में, अजमेर के जनता का उनके प्रति जो प्रेम है वो एक चुनाव लड़ने से नहीं होता, वो जब आप किसी जगह को अपनाते हो, कर्म भूमि बनाते हो और वहाँ से लगाव रखते हो तभी वो बनता है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसा लगन प्यार सचिन जी को यहाँ के लोगों ने दिया है उसका आधा भी मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूँगा।